वह खिलाड़ी जो बिना मैच खेले ही बन गया मैन ऑफ द मैच। इस खिलाड़ी ने अपने प्रदर्शन से ग्रेविटी के नियमों पर सवाल खड़ा करवा दिया, जिसे 90 के दशक में क्रिकेट जगत का सुपरमैन कहा जाता था। इस महान खिलाड़ी को ओलंपिक में खेलने का मिला था मौका, लेकिन क्रिकेट को इसने चुना। एक कहावत है न कि जिसका संघर्ष जितना बड़ा होता है उसकी सफलता उससे भी बड़ी होती है। चक दे क्रिकेट के आज के सेगमेंट चक दे क्लिक्स में हम बात करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर क्रिकेट इतिहास में एक नई गाथा लिख दी। उस खिलाड़ी को 90 के दशक में सुपरमैन कहा जाता था। जिन्होंने भी 90 के दशक में क्रिकेट को देखा है उन्हें इस सुपरमैन के बारे में जरूर पता होगा। इस खिलाड़ी के बारे में यह कहा जाता है कि यह उड़कर गेंद को पकड़ता था। अब तक आप भी समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के तेज तर्रार फील्डरों में शुमार जॉन्टी रोड्स के बारे में। उन्हें लोग उस समय सुपरमैन के नाम से बुलाते थे और खासकर उनकी फील्डिंग देखने के लिए लोग अपनी टीवी सेट को जरूर खोलते थे। यह खिलाड़ी भले ही दक्षिण अफ्रीका का था, लेकिन भारतीयों के दिलों में आज भी राज करता है। अगर यह खिलाड़ी आज के ज़माने में क्रिकेट खेल रहा होता तो लगभग हर मैच में इस खिलाड़ी का प्रदर्शन सोशल मीडिया में वायरल हुआ होता। सबसे ज़्यादा इंटरनेट पर वायरल होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में इस खिलाड़ी का नाम जरूर शामिल होता। खैर, अपनी खेल के बदौलत यह खिलाड़ी आज भी लोगों के दिलों में राज करता है। जॉन्टी रोड्स का जन्म 27 जुलाई 1969 को साउथ अफ्रीका के पिट्स मैड्सबर्ग में हुआ था। इनका पूरा नाम जोनाथन नील रोड्स है। जॉन्टी के बचपन से ही खेल का माहौल मिला, क्योंकि पिताजी रग्बी के खिलाड़ी थे और माँ टेनिस की खिलाड़ी थी। ऐसे में जॉन्टी बचपन से ही मानसिक और शारीरिक रूप से खेल के प्रति समर्पित हो चुके थे। उम्र बढ़ने के साथ ही जॉन्टी को क्रिकेट में मन लगने लगा था। फिर उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। इस दौरान जॉन्टी जहां जहां क्रिकेट खेलने जाते वहां अपने थ्रो के साथ साथ विकेट के बीच में दौड़ लगाने के लिए वे जाने जाते थे। इस दौरान उन्हें लोगों का खूब प्यार मिला। अब वह समय आ गया था जब जॉन्टी रोड्स को अपने देश की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलने का मौका मिलने वाला था, क्योंकि वे अपनी फील्डिंग के बदौलत देश में नाम कमा रहे थे। इसी दौरान घरेलू क्रिकेट में जॉन्टी रोड्स बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डिंग करते हुए खूब नाम कमाया। हालांकि जॉन्टी रोड्स को अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना जलवा दिखाना था और वह मौका आया साल 1992 में। विश्व कप में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना डेब्यू किया। हालांकि अपने डेब्यू मैच में भी उन्होंने सुर्खियां बटोरी। उनका प्रदर्शन शानदार रहा, जिसके कारण आगे के मैच के लिए उन्हें टीम में जगह मिल गई। लेकिन उनके सामने और चयनकर्ताओं के सामने समस्या यह थी कि कोई खिलाड़ी सिर्फ फील्डिंग के बदौलत कितने दिनों तक किसी टीम का हिस्सा रह सकता है। ऐसे में जॉन्टी रोड्स को टीम में खिलाने के लिए विवाद शुरू हो गया। कई तरह के सवाल पूछे जाने लगे। हालांकि इस विश्व कप के दौरान जॉन्टी ने तमाम सवालों के जवाब दिए और उन सभी लोगों का मुंह बंद करवा दिया जो यह कह रहे थे कि सिर्फ फील्डिंग के बदौलत कोई अपनी टीम के साथ कितने दिनों तक खेल सकता है। साल 1992 के विश्व कप में दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार जॉन्टी रोड्स की फील्डिंग को देखा। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रन का स्कोर खड़ा किया। इस मैच में जॉन्टी रोड्स की फील्डिंग का कोई जोर नहीं था। इस मैच में उन्होंने जिस तरह से क्रेग एमसी डेरमोट को जिस तरह से रन आउट किया था, उसके बाद से दक्षिण अफ्रीका में उनके नाम की चर्चा होने लगी थी। यह मैच अफ्रीका 9 विकेट से जीता। आज जिस तरह से खिलाड़ी छोटे से फॉर्मेट में बल्लेबाजी कर अपना नाम कमाना चाहते हैं, यह खिलाड़ी उससे उलट सोचता था। इस खिलाड़ी की दिली इच्छा थी कि वह टेस्ट मैच खेले, इसीलिए तो विश्व कप में पदार्पण के बाद भी वह खुश नहीं था। लेकिन जॉन्टी को यह इच्छा भी साल 1992 के नवंबर महीने में भी पूरा हो गया और भारत के खिलाफ उन्हें टेस्ट मैच खेलने का मौका मिल गया। अपने टेस्ट करियर में के सफर में जॉन्टी रोड्स ने कुल 52 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 35 के रनआउट से 2532 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने कुल 3 शतक और 17 अर्धशतक इनके नाम दर्ज है। 1992 में ही ब्रिस्बेन में खेले गए मैच में उन्होंने पाकिस्तान के इंजमामुल हक को रन आउट किया था। इस रन आउट के बारे में यह बताया जाता है कि उन्होंने ट्रेडमार्क ग्रेविटी के खिलाफ उड़ते हुए कैच को लपका था। इस दौरान लोग यह भी पूछने लगे थे कि क्या
जॉन्टी रोड्स के शरीर में हड्डियां हैं या नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वह हवा में उड़कर कैच को लपकते हैं वह किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं है। आप में से बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि जॉन्टी रोड्स ने हांगकांग में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया है। वे साल 1992 में बार्सिलोना में खेले जाने वाले ओलंपिक खेलों में टीम के हिस्सा रहे हैं, उसके सदस्य रहे हैं। हालांकि उस समय हॉकी की टीम ओलंपिक में जाने के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई और बाद में 1996 में ओलंपिक में खेलने के लिए उन्हें बुलाया तो गया था, लेकिन हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण वे उस मैच में नहीं जा पाए। ओलंपिक में आगे नहीं खेल पाने के कारण जॉन्टी ने अपने आप को क्रिकेट में आगे बढ़ाया और बैकवर्ड पॉइंट पर एक मजबूत दीवार की तरह अपने आप को फिट किया। साल 1999 का विश्व कप और इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए जॉन्टी रोड्स ने रॉबर्ट क्राफ्ट का नामुमकिन सा कैच पकड़ा था, जिसकी तस्वीर आज भी लोग इंटरनेट पर बार बार सर्च करके देखते हैं। इस कैच के बारे में यह बताया जाता है कि जॉन्टी ने इस कैच को गुरुत्वाकर्षण के सभी नियमों को झुठला दिया था। जॉन्टी के इसी कैच की खूब तारीफ हुई। अब स्थिति यह हो गई थी कि जॉन्टी के नाम का खौफ विश्व क्रिकेट पर हावी होने लगा था। अगर गेंद जॉन्टी के क्षेत्र में गई है तो बल्लेबाज दौड़कर रन लेने की हिम्मत नहीं करता था। अगर उस क्षेत्र में गेंद हवा में गई है तो वह कैच आउट होने की पूरी संभावना बनती थी। उसकी फील्डिंग की तारीफ करते हुए आज भी उनके प्रशंसक इजमामुल हक के रन आउट का जिक्र जरूर करते हैं। उस समय जॉन्टी रोड्स बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डिंग कर रहे थे और इजमाम ने शॉट खेला और बॉल जॉन्टी के पास पहुंच गई। दूसरे एंड पर इमरान खड़े थे। इमरान ने जैसे ही बॉल देखा कि जॉन्टी के पास है, उन्होंने रन लेने से मना कर दिया। अब इंजमाम को फिर से लौटकर सीमा रेखा के अंदर जाना था। तब तक जॉन्टी ने उनके तीनों विकेटों की गिल्लियां गिरा दी और इस तरह से इंजमाम अपना विकेट खोकर पवेलियन चले गए। जॉन्टी की इस फील्डिंग की तारीफ पूरे विश्व में हुई थी और वे फील्डरों के लिए एक आदर्श माने जाने लगे थे। जॉन्टी रोड्स ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि टीम का हिस्सा नहीं थे, उसके बाद भी उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया था। ऐसे में आपके दिमाग में यह विचार जरूर आ रहा होगा कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, तो चलिए आपको बताते हैं इस घटना के बारे में। वह दिन था 14 नवंबर 1993। दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच में यह मुकाबला चल रहा था। उस मैच में जॉन्टी को टीम में शामिल नहीं किया गया, लेकिन जब दक्षिण अफ्रीका की टीम मैदान में फील्डिंग करने के लिए उतरी तो डैरेन कुलीन चोटिल हो गए और उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। डैरेन की जगह जॉन्टी को फील्डिंग करने के लिए मैदान पर उतारा गया। इस मैच में जॉन्टी ने पूरे मैच में 7 कैच लपके और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इसी जीत के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब से नवाजा गया। इतना ही नहीं, जॉन्टी ने उस कैच को लपकने के साथ साथ दुनिया में सबसे ज़्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में भी शामिल हो गए। इतना ही नहीं, रोड्स जॉन्टी रोड्स के नाम बेस्ट रन आउट ऑफ द ऑल टाइम का खिताब भी इन्हें दिया गया था। जॉन्टी रोड्स के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज है। एक मैच में 5 कैच लपकने वाले जॉन्टी रोड्स इकलौते खिलाड़ी हैं। साल 1998 में टेक्सको ट्रॉफी में उन्होंने शानदार प्रदर्शन यानी कि शानदार फील्डिंग के लिए उन्हें मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से भी नवाजा गया था। वनडे मैचों में बेहतरीन करने के लिए साल 2000 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। जॉन्टी रोड्स के अगर हम एक दिवसीय मैचों की बात करें तो उन्होंने 245 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 35 के रन अवसर से 5935 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 33 अर्धशतक शामिल हैं। उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट की अगर हम बात करें तो 164 मैच खेले, जिसमें से उन्होंने 9546 रन बनाए हैं, जिसमें 22 शतक और 52 शामिल है। फिर आया साल 2003, जब दक्षिण अफ्रीका में वनडे का विश्व कप होना था। इस विश्व कप में केनिया के खिलाफ खेलते हुए जॉन्टी रोड्स का हाथ टूट गया। हाथ टूटने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सफर भी उनका रुक गया और इसी साल उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। जॉन्टी भले ही क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी हो, लेकिन वे अभी भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। भारत में अगर हम फील्डिंग की बात करें तो मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह को कैसे भूला जा सकता है, साथ ही साथ रॉबिन सिंह, जिन्होंने भारत में फील्डिंग को एक अलग मुकाम दिया। ऐसे में जॉन्टी रोड्स अफ्रीका के ही नहीं पूरी दुनिया के खिलाड़ियों के लिए आज प्रेरणा के स्रोत हैं। जॉन्टी रोड्स इन दिनों भारत में होने वाले IPL में पंजाब किंग्स टीम का हिस्सा है। उन्हें पंजाब की टीम का बल्लेबाजी कोच बनाया गया। इससे पहले वे मुंबई इंडियंस की तरफ से फील्डिंग कोच भी रह चुके हैं। जॉन्टी रोड्स को भारत से बहुत प्यार है, तभी तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम इंडिया रखा है। आपको बता दें कि उनकी बेटी का जन्म मुंबई में हुआ है। और चलते आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ, जॉन्टी रोड्स का वो कौन सा मैच है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।